अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ट्रेन में सफर करना कितना मुश्किल है ये तो ट्रेन में चलने वाला ही बता सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आराम से ट्रेवल कर रहे हैं, आपने टिकट भी बुक करवा रखा है, वो भी 2 महीने पहले। फिर भी यात्रा के दौरान न जाने कहां कहां से कैसे कैसे लोग घुसाते हैं आपके डिब्बे में। पूरी की पूरी बोगी रिजर्व है, फिर भी लोग धड़ल्ले से आके बैठ जाते हैं आपकी सीट पे। ये तो हुई अंदर घुसने वालों की बात, पर उनकी बात कौन करेगा जो रास्ते में उतर जाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ट्रेन की चेन खींच के जहां मर्जी आए उतर जाते हैं। कुछ लोग तो अपने घर के सामने ट्रेन खड़ी कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो आपके साथ टिकट बुक करवा के सफर कर रहे होते हैं और अचानक उठे उतर गए रास्ते में। आपने देखा कि बेचारा अपना सामान भूल गया है, आप भागे उसके पीछे, मगर वो उतर के ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सी, और सामान आपके साथ साथ चल रहा है। कभी सोचा है क्या हो सकता है उस सामान में? कुछ भी। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। कपड़े, जूते, बम या फिर लाश। लाश भी हो सकती है। और क्या हो जब आपको इसके बारे में कुछ पता ही ना हो? इस कहानी में जो कुछ हुआ वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसा ही एक बॉक्स कुली उठा के चला, प्लेटफॉर्म पे एक लड़की अचानक भागी, भागते भागते वो कुली से टकराई, वो बॉक्स गिरा और बॉक्स में से जो चीज गिरी उसे देख के 2-3 लोग तो बेहोश हो गए। आप भी देखिए था क्या उस बॉक्स में। मैं कुछ नहीं करूंगा, निकाल मेरा पैसा। तुझे पैसा चाहिए ना? हाँ छोड़, ये ले तेरा पैसा, ये तेरा पैसा। वो पैसेंजर कहाँ है? इसका ही ट्रंक था। वो तो भागे साहब, जैसे ही बक्सा गिरा वो भाग गई। मुझे पहचान सकते हो? सामने आ गए तो जरूर पहचानेगा साहब, जरूर पहचानेगा मैं उसको। सर ये वो कुली है जो ट्रंक लेके जा रहा था, प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग रहा था सर, इस कॉन्स्टेबल ने इसे पकड़ा। अच्छा, क्यों क्यों भाग रहे थे? मैं इतने साल से कोलीगिरी का काम कर रहा साहब, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बक्शे में लाश होएगा ये किसको मालूम था? मैं बहुत डर गया था साहब, मैं सच्ची बहुत डर गया था। उस आदमी को क्यों नहीं पकड़ा फिर, जिसने तुम्हें बक्सा रखने के लिए कहा था? क्यों?
मेरे को तो वो लड़की बदमाश कर दी साहब, जिसकी वजह से मेरे सिर से बक्सा गिरा था साहब। अच्छा विवेक, लड़की अभी भी यहाँ पर है? जैसे यहीं पे सर, अंदर स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठी है सर। ठीक है सर, लगता है किसी चॉपर से इसका गला काटा गया है। एक ही बार में अलग हो गया है सर? एक ही बार? असर गले का जो कट है वो एकदम क्लीन है, मतलब किसी चाकू से घिस घिस के नहीं काटा है सर। ऐसा लगता तो नहीं है, पर ये आदमी कौन है पता नहीं चल रहा है। जेब में कुछ नहीं है, शरीर पे कोई निशान नहीं है, कुछ टैटू नहीं है सर। सर ये लड़की बोल रही है कि आदमी इसे मारने वाला था। और सर ये कह रहा है कि ये इसे जानता नहीं। ये झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है सर। सर इसके पास गन है। बस कोई गन नहीं है सर। सर मुझे लगता है वहां पर छुपा दी होगी। आप वहां पर चेक कीजिए सर। गन मिली है सर, कुर्सी के नीचे छुपा के रखी थी। ठीक है, ये मेरी नहीं है सर। तुम्हारी नहीं है? नहीं सर। तो क्या स्टेशन मास्टर की है? हा? कौन सी बोगी से वो ट्रंक उठाया था तुमने? हा? जी S4। S4 सर, हम लोग तो 14 घंटे से सफर कर रहे हैं, वो ट्रंक हमारा नहीं था। चलो हटिए 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 हटिए, चलो चलो हटो 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 हटिए। फ्रेडरिक्स, ट्रंक लेकर आए तू? सर मैंने सोचा कि ये ट्रंक देखकर शायद इन लोगों को कुछ याद आ जाएगा। लेकिन वो लाश कहाँ है? लाश तो ट्रंक के अंदर ही है सर। ये ट्रंक तो मैंने देखा था। देखा था? हाँ सर, जैसे ही गाड़ी रुकी एक आदमी आया, ट्रंक रखा और चला गया। जब ये ट्रेन यहाँ रुकी थी तो कोई आके यहाँ इसे रखेगा? हाँ। क्या बता सकते हैं कि आदमी दिखने में कैसा था? नहीं सर, इतने ध्यान से नहीं देखी उसकी शक्ल। बस ये जो बिना सर वाला आदमी है, ना तो ये कोई क्रिमिनल है और ना ही कोई पुलिस वाला। इसके फिंगरप्रिंट्स मिले हमारे रिकॉर्ड्स में? नहीं। जिस बेदर्दी से इसका गला काटा गया, ऐसा लगता है कि ये कोई क्रिमिनल ही होगा। अभिजीत, बुजुर्गों ने कहा है जब भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, अगर केस को जल्दी सॉल्व करना है, खूनी को पकड़ना है, तो हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्यों डॉक्टर तारिका? अभिजीत, हम भी कुछ ना कुछ कर ही रहे। ये बॉक्स देखिए। अच्छा, क्या है बॉक्स में? बॉक्स के बाहर है, ये देखिए सर। घास? जी सर, जहां पे भी ये बॉक्स रखा होगा थोड़ी देर के लिए सही, वो जमीन गीली होगी और वहां पे घास है। वाह डॉक्टर तारिका, मैं जब जब फोरेंसिक लैब में आता हूँ मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अब ये देखे कि आप फोरेंसिक साइंस में दनादन कैसे आगे बढ़ती जा रही है। बॉक्स के अंदर भी कुछ मिला है? बॉक्स के अंदर भी? आइए देखिए। कब? ये रस्सी है? नहीं। वही तो सालू के सांप गए हमसे। बॉस, ये ब्रेड है, ब्रेड। प्रद्युमन, आखिर प्रद्युमन है, फौरन पकड़ लिया। ठीक है सालुंखे, अब बता क्या हुआ है इस ब्रेड को? इसे रस्सी की बीमारी, मतलब इसे रोग डिजीज। कभी कभी बेकरी में जब ब्रेड अच्छी तरह से नहीं पकती है, कच्ची रह जाती है, तो उसे ये बीमारी हो जाती है। और सर ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि बेकरी में से सारी की सारी ब्रेड फेंकनी पड़ती है, और जिस जिस बॉक्सेस में ब्रेड रखी जाती है वो भी फेंकने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है किसी बेकरी वाले ने वो बॉक्स उठाकर बाहर फेंक दिया और फिर किसी ने उसके अंदर लाश रख दी। एग्जैक्टली।
उस बेकरी का तो सारा सामान उठा करके ऊपर रखा गया हो, बेकरी को अच्छी तरह से धो करके साफ किया हो, फ्यूमिगेट किया हो, नहीं तो बेकरी में जो भी ब्रेड बची होगी उसमें इस बीमारी का बैक्टीरिया आ जाएगा। अगर कोई वो ब्रेड खाएगा तो बीमार हो जाएगा। बीमार क्या दया, कभी कभी तो मर भी सकता है। सर हम ये ढूंढ सकते हैं कि तो बेकरी कौन सी है, और वैसे भी ये बात छुपी नहीं रह सकती। शहर में जितनी भी बेकरीज है सब चेक करो, देखो ऐसी कौन सी बेकरी है जो 3-4 दिनों के लिए बंद रखी गई थी। सर क्या बताएं, जोनाथ हो गए, ब्रेड में बीमारी लग गई शुरू। अरे बाप रे, अभी भी है क्या? अरे नहीं अभी नहीं है, कुछ खराब था साहब, बाहर फेंकवा दिया है, पूरी बेकरी को केमिकल से धुलवा दिया है, अब सब ठीक है। देखो फोटो देखो, इस ट्रंक को पहचानते हैं? अरे ये तो उन्हीं में से एक ट्रंक है जो मैंने बाहर रखवाए थे। आपको कहाँ से मिला? रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे? जी हाँ, एक लाश थी उसमें। लाश? हाँ, ये फोटो देखिए, इन कपड़ों को पहचानते हैं? अरे इसका सर कहाँ है? वही ढूंढ रहे हम लोग, पहचानते हैं इसे? जी नहीं। आप लोग पहचानते हैं? ध्यान से देखिए, कपड़ों को पहचानते हैं आप लोग? नहीं। देखिए सर, हमें लाश में से किसी को नहीं मालूम है, आप हमारी बात का यकीन कीजिए। हम इस लाश की बात नहीं कर रहे, फोन किया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। सर हमने वो ट्रंक बाहर रखवा दिए थे, आप मानिए हमारी बात। इसका मतलब किसी ने ट्रंक चुरा लिया? बिल्कुल। फिर आप हमें वो जगह दिखाइए जहाँ आपने ट्रंक रखा था। चलिए आइए। आइए सर, अभिजीत को फोन करके बुलाओ। सर इसके नाखून तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। क्यों, इसकी सास का नाम लिखा है क्या नाखूनों पर? अब सर ये तो पता नहीं कि इसकी शादी हुई थी या नहीं। तारिका अगर इसका चेहरा सामने होता तो पता चल जाता। चेहरे से पता चल जाता, कैसे सर? तारिका बेटा, शादीशुदा आदमी के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो दर्द छुपाए नहीं छुपता है। मैं कह रही थी सर कि इसके नाखून टूटे टूटे से हैं, तो फिर शायद ये कोई दवाई खा रहा होगा या फिर इसके गॉल ब्लैडर में। तारिका हाँ छोड़ दो, लाश का हाथ छोड़ दो फौरन। क्या हुआ सर? तो लाश से दूर हट जाओ फौरन, जल्दी। पर सर हुआ क्या? तारिका फ्यूमिगेशन की तैयारी शुरू कर दो। पर क्यों? तुम बाहर चले जाओ। जाओ। और आप? मैं सब संभाल लूंगा, तुम बाहर जाओ। सर मैं ऐसे कैसे आपको छोड़ के जा सकती हूँ? ये लो मास्क पहनो। अगर इसने नहीं पकड़ा होगा तो इसे बचा जा सकता है। क्लोज योर आईज, रेडी? तारिका जल्दी से प्रद्युमन को फोन करो। जी सर, लेकिन सर मैं उन्हें फोन करके बताऊं क्या? उसको बोलो कि बिना असर वाली लाश को स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू? यस, H1N1। आइए सर। सर यहीं पे मैंने वो रखे थे। क्या? और यहाँ से वो ट्रंक चोरी हो गया? जी सर। काफी बड़ी बस्ती है यहाँ सर, शायद यहाँ के रहने वालों में से किसी ने यह ट्रंक चुराया होगा सर। हो सकता है, खून भी शायद यहीं कहीं हुआ है, और जैसे खूने ने वहां पे ट्रंक देखा लाश उसमें डाल दी। हाँ डॉक्टर तारिका, किस वक्त कैसे याद किया आपने? क्या बात कर रहे हैं? थैंक्स अ लॉट। तारिका के फोन से धक्का? अरे तारिका के फोन से धक्का नहीं लगा, उसने जो बताया उससे धक्का लगा है। क्या बताया? लास्ट को स्वाइन फ्लू है। हाँ H1N1।
स्वाइन फ्लू, कहीं मुझे ना हो गया होगा। सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन ले रहा हूँ, पहले मास्क लेके आओ गाड़ी में से जल्दी। यस सर। अरे लाश यहाँ पे रहने वाले किसी आदमी के, तो हो सकता है कि यहाँ पे रहने वाले दूसरे लोगों को भी। सर एक बात तो साफ है कि अगर उस लाश को स्पाइन फ्लू हुआ था तो वो आदमी जरूर अमेरिका, साउथ एशिया नहीं तो सर यूरोप से आया होगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई भी आदमी बाहर के किसी भी देश से नहीं आया है। अरे एक काम करो, हर घर के सामने की घास और मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करो। घास और मिट्टी? हाँ घास और मिट्टी, ट्रंक के ऊपर से हमें घास और मिट्टी मिली है, मैच करके देख सकते हैं किस घर के सामने की मिट्टी है। ऐसा हो सकता है सर? क्यों नहीं, डॉक्टर तारिका कुछ भी कर सकती है। तो लेकिन मैंने तो सुना था कि डॉक्टर सालुंखे ही एक्सपर्ट है। अरे वो एक ही बात है, डॉक्टर सालुंखे भी है और डॉक्टर तारिका भी है। हाँ लेकिन ये घास और मिट्टी इकट्ठा करने का काम है ना, जरा गुप्त तरीके से होना चाहिए। कोनी को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोग इस सैंपल से इकट्ठा कर रहे हैं। ये घास और मिट्टी के सभी सैंपल जो आप लोग उठा करके लाए हैं उस मिट्टी से मिल गए, मतलब ट्रंक पर जो मिट्टी मिली थी उससे मैच हो गए। करेक्ट, मतलब खून वहीं पे हुआ है। हाँ मगर कौन से घर में हुआ, सब घर के सामने की मिट्टी तो मैच हो गई है, तो पता कैसे चलेगा? दया कम है, इधर आओ। कम कम यहां देख, इसमें देख। ये तो जी हाँ, ये तो अभिजीत तुम भी देखो। सर मैं भी देख लूँ। सर देखो ये इसके मुंह में क्या है। अभिजीत देखो, चिट्टी। चिट्टी मैं रह गया, मैं देखूँ। तुम भी देख लो। चिट्टी लड्डू खा रही है। लड्डू नहीं खा रही फ्रेडी, आदमी का मांस खा रही। ऐसी बहुत सारी चींटियां उसमें थी और ये चींटियां उस वक्त आदमी का मांस खा रही थी जब आप इन्हें उठा करके लाए। पर ये मांस है किसका? इस आदमी का। इस छोटे से टुकड़े का डीएनए टेस्ट किया तो लाश के मांस से मैच हो गया। मगर ये मांस इस आदमी का कैसे हो सकता है? ये आदमी तो यहाँ लैब में लेटा है। दया ये आदमी यहाँ पर लेटा हो सकता है लेकिन इसका सर तो वहाँ पर हो सकता है। भाई वाह, सलूंखे साहब वाह, एक छोटी सी चींटी से आपने इतनी बड़ी बात निकाल ली। कमाल है, एक चींटी का मुंह खुलवा दिया आपने। वही तो, चींटी के मुंह में रखे हुए खाने से बता दिया कि उस आदमी का सिर वहां पे गड़ा हुआ है। वही मान गया सलूंखे साहब, मान गया। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू वेरी मच। आज कम से कम डॉक्टर तारिका के अलावा मेरे लिए भी तारीफ के दो शब्द निकले आपके मुंह से, थैंक यू। मगर ये चिट्ठियां है कौन से घर की? एक दो तीन चार पांच, कौन से घर के सामने की मिट्टी में ये दावत हो रही थी? दया चार नंबर घर के सामने जाओ, वहां का दरवाजा खटखटाओ और उसे कहो कि भाई हमें भी बता दे वो सर तूने कहां छिपा के रखा हुआ है। ये चिट्ठियां जमीन के अंदर ही अंदर उस जगह तक पहुंच रही है जहां पर वो सर छिपा के रखा गया। ये चार नंबर घर किसका है? सर एक मिनट, किसी सत्तू नाम के आदमी का है लेकिन वो घर पर नहीं है। सत्तू? अभी तक ताला लगा हुआ है, सत्तू गया मतलब गड़बड़ है। ताशा तुम लोग जरा आसपास के लोगों से सत्तू के बारे में पता करो, तब तक हम लोग अंदर जाते हैं। तोड़ दो। खून
कोमा, मतलब मर्डर इसी घर में हुआ है। ढूंढो ढूंढो वो सर यहीं मिलेगा, ढूंढो। लाश को ट्रंक में डाल दिया, फिर उस ट्रंक को ट्रेन के कंपार्टमेंट में छोड़ दिया। अगर तो उस आदमी का सिर अभी तक नहीं मिला है सर। मिलेगा, यही मिलेगा विवेक, इसी घर के सामने वाली मिट्टी में वो चीटियां मिली है। बाहर खोद के देखते हैं। Fantastic, Freddy. अरे काहे का fantastic सर? चिट्ठियाँ लिपट गई बदन पे। अरे तुम एकदम सही जगह पे खोद रहे हो यार। चलो यहीं पे खोद के देखते हैं। या। तैयार। सालुंखे, सिर इसी का ही है ना या किसी और का जोड़ दिया? बॉस, इसके सरकार, इसके धड़ का डीएनए मैच हो गया है। 100% सर इसी का है। देखो कैसे हंस रहा है। अभिजीत, जिस आदमी के घर से ये मिला है वो आदमी तो गायब। सर उसी ने फोन किया होगा, नहीं तो घर छोड़ के भागेगा क्यों? तो शायद इस आदमी का नाम नरेश है। नरेश? हाँ सर, जब से ये स्वाइन फ्लू फैला हुआ है तब से अब तक 24 लोग इंडिया में आए हैं सर, बीमारी वाले देश से। 23 लोगों का पता तो चल गया सर, एक आदमी गायब है, उसका नाम नरेश है सर। हो सकता है यही हो। तुमने इसके घर वालों को खबर करी क्या? यहाँ तो इसका कोई है नहीं, तो पता चला है कि ये अपने बॉस धनराज के साथ यहाँ आया था, साउथ अमेरिका से। बॉस धनराज के साथ यहाँ पर आया था? तो फिर ये धनराज चुप क्यों बैठा है? ओह माय गॉड, ये तो नरेश की फोटो है। इसको किसने मार दिया? यही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन है जो इतनी नफरत करता है कि उसका सिर ही काट दिया। प्लीज इस तरह की फोटो मत दिखाइए मुझे। सर ये नरेश तो बहुत अच्छा लड़का था। धन्ना जी, आप आखिरी बार नरेश से कब मिले थे? जी हम एक साथ आए थे इंडिया, एक ही फ्लाइट में। वो हमें घर छोड़कर होटल चला गया। हमने होटल में पूछताछ की, होटल वालों का कहना है कि वो वहाँ होटल में पहुँचा ही नहीं। क्या वहाँ पहुँचा ही नहीं? तो इसका मतलब रास्ते में किसी ने उसका खून। एक मिनट, एक बात बताइए, आप लोग एयरपोर्ट से घर कैसे आए? मेरा मतलब है टैक्सी से आए या फिर? नहीं सर, टैक्सी नहीं है, वो एक वैन थी और वो भी नरेश ने कहीं से मंगवाई थी। वैन का नंबर याद है आपको? नहीं, नंबर तो याद नहीं है। अच्छा, ड्राइवर के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, उसने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी थी। उसकी दाढ़ी भी तो थी ना? हाँ जी हाँ, दाढ़ी थी। फ्रेडरिक्स, जरा वो फोटो दिखाओ इन्हें जो हमें सत्तू के घर से मिला है। यस सर। क्या हुआ? ये वो? ये तो आपकी फोटो है। आप? सॉरी सर, गलती से आपकी फोटो दिखा दी। एक मिनट, ये देखिए। हाँ हाँ, ये वही ड्राइवर है जो उस दिन हमें एयरपोर्ट से घर छोड़ने आया था। कहीं ये सत्तू तो नहीं सर? हाँ, एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम बोला आपने? सत्तू। हाँ सत्तू। क्या आप जानते हैं किसी सत्तू को? जी हाँ सर, इस नाम का एक आदमी हमारी कंपनी में काम करता है वहाँ साउथ अमेरिका। सर ये फोटो फिर से देखिए ध्यान से, यही वो सत्तू तो नहीं है? लग तो रहा है सर वैसा ही है। I mean, sir,
ये वही है, लेकिन उस वक्त इसकी दाढ़ी नहीं थी, शायद इसीलिए मैं इसे पहचान नहीं पाया। तो इन सारी बात का मतलब ये निकला कि ये सत्तू नरेश को पहले से जानता था। जी हाँ, नरेश ने उसे कंपनी में चोरी करते हुए पकड़ा था और नरेश ने ही उसे नौकरी से निकलवाया था। तो ऐसा हो सकता है कि सत्तू ने ही नरेश का फोन किया? अब शायद हो भी सकता सर। कुंडली निकालो इस सत्तू की। सत्तू और सतीश कुमार साउथ अमेरिका में डीके इंडस्ट्रीज में काम करता था सर। 2 अप्रैल 2004 को कंपनी के स्टोर में चोरी करते हुए पकड़ा गया और इसलिए नरेश ने उसे नौकरी से निकाल दिया और वापस इंडिया भेज दिया। अब ये केस आईने की तरह साफ हो गया। इस नरेश ने सत्तू को काम से निकलवाया साउथ अमेरिका में और जैसे ही वो वापस आया इंडिया में, बदला लेने के लिए सत्तू ने नरेश का खून कर दिया। मगर 2004 से 5 साल तक अब तक वो करता क्या रहा? कोई नौकरी वोकरी थी नहीं उसके पास, तो घर कहाँ से खरीदा, बाकी के खर्चे? सर सत्तू के पड़ोसी बता रहे थे कि कोई उससे हर महीने मनी ऑर्डर भेजा करता था। ताशा बिल्कुल ठीक कह रही है सर, मैं अभी पोस्ट ऑफिस से आ रहा हूँ। पता चला है कि सत्तू को हर महीने में 20,000 रुपए का मनी ऑर्डर आया करता था। 20,000 रुपए? हाँ सर, पिछले 5 सालों में 1 महीना भी ऐसा नहीं गया है कि उसे मनी ऑर्डर ना आया। इसका मतलब किसी ने उसे अब तक 12 लाख रुपए भेजे। लेकिन कोई किसी को इतने पैसे क्यों देगा और वो भी फ्री में? यही पता लगाने के लिए मैंने उसका नाम और पता पूछा ताकि कुछ पैसे वो मुझे भी भेजा करे। कौन है याद? नरेश। नरेश? हाँ सर। जिसकी लाश हमें ट्रक में से मिली। ये क्या चक्कर है अभिजीत? ये नरेश हर महीने पैसे भेजता रहा सत्तू को और सत्तू ने उसी का खून कर दिया। बात बड़ी अजीब है दया, कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों काटेगा? सत्तू के सारे खर्चे जब नरेश उठाता था तो वो नरेश को क्यों मारेगा? और अगर नरेश ने सत्तू को नौकरी से निकाला था तो फिर वो उसे हर महीने पैसे भेजता ही क्यों था? सर कहीं ये सत्तू ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था नरेश? अगर ऐसी बात है तो नरेश सत्तू को मारेगा ना, सत्तू ने क्यों मारा उसे? अब ये बात तो सत्तू ही बताएगा दया। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है क्या? सत्तू का पता चल गया? बड़ी अजीब बात है, हम लोग वहां दौड़ धूप करके सत्तू को ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ चैन की नींद सो रहा है। बड़ी भयानक मौत हुई इस सत्तू की, बेचारा ट्रेन के नीचे कुछ लग गया। ये अपने आप ट्रेन के सामने आ गया या किसी ने धक्का दे दिया इसे? जैसे इसे पता चला होगा कि हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं, कूद गया ट्रेन के सामने। ऐसा लगता तो नहीं है। ओके, मैंने इसके खून का टेस्ट किया है तो पता चला इसके शरीर में खून कम शराब ज्यादा। इसकी गाड़ी तो शराब से ही चल रही थी। फिर तो ये एक तरीके से चल भी नहीं पा रहा होगा, लड़खड़ाते हुए आगे ट्रेन के नीचे। मगर इसके पास तो वैन थी ना, तो फिर ये स्टेशन क्या करने गया? दारू पी के बेहोश होना था तो गाड़ी में हो जाता, और अगर मान लें कि साहब का मन हो गया घूमने का तो फिर घर से इतनी दूर स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी? सर गड़बड़ है, इसका भी खून किया गया है सर। जरूर नरेश के खून में इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, किसी ने इसका मुंह बंद रखने के लिए इसे बहुत सारी शराब पिलाई होगी और फिर ट्रेन के सामने इसे धक्का दे दिया। सर हम वो जगह ढूंढ सकते हैं जहां पे इसने शराब पी थी। सुनो ये देखो, पहचानते हो उसे? आप लोग पुलिस CID पहचानते हो इसे? अरे साहब ये तो सत्तू है, रोज इधर आता दारू पीने के लिए। पिछले 2-3 दिनों में आया था? नहीं मालूम नहीं क्या हो गया। ये मर चुका है। सत्तू मर गया? ये कैसे हो सकता है? अरे इसने 10,000 की दारू पी रखी मेरी, वो भी उधारी में। अब इसका पैसा क्या वो बेवड़ा बाबू देगा? बाबू? ये बाबू कौन है? अरे वो साहब वो भी एक नंबर का बेवड़ा है, इधर ही सत्तू के साथ बैठकर दारू पीता है वो। बाबू सत्तू के साथ रोज आता है दारू पीने के लिए? हाँ। अच्छा आज भी आएगा? आना तो चाहिए, 9:30 बजे आता रोज वो। 9:25, चलो इस बाबू से भी मिल ही लेते हैं।
नारंगी सोडे के साथ जल्दी। ए, काय को बैठा तू इधर? अपुन से परमिशन लिया क्या? ए मामू इसको लेके जा रहे खाली पीले। अपुन को इधर अकेले बैठने का है, समझा क्या? खेल कल्टी। अबे 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 काय को गरम हो रहा है रे? ए बेवड़िया जस्ती बोलने का नहीं, समझा क्या? अपुन के वैसे भी भेजा किसके लाए? चल 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 खिसा किधर से? मेरे को बेवड़ा बोला? हाँ बोला। दारूड़िया भी बोलेगा? दारूड़ा बोला मेरे को? हाँ तू दारूड़िया क्या करेगा तू? बोलेगा बोलेगा बोलेगा। हाँ बेटा बाबू सीआईडी बहुत गर्मी आ गई क्या? अरे इसकी तो पैंट गीली होगी। सत्तु को किसने मारा? सब दो तीन दिन पहले सब सत्तु दारू पीने आया था साहब। सब अपुन अपुन उससे मिलने जा रहा था साहब। सब तभी तभी सब सब उस रास्ते से साहब एक आदमी आया साहब और सत्तु उसके साथ चला गया साहब। हाँ अपुन से समझा साहब कि वो अपुन का सत्तु ने सब कुछ रोकड़े वोकड़े का इंतजाम किया होगा साहब। पता नहीं सर। कौन था वो आदमी? सर वो अपुन का पता नहीं सर। पर हाँ सर अपुन अपुन उसका सब छुप छुप के पीछे किया सर। अपुन ने देखा सर सब वो आदमी ने सब अपुन के सत्तु भाई को सर तो दूर सब ट्रेन के पास लेके गया सर। उधर सर मैंने देखा कि सर उसने उसको ट्रेन के आगे धक्का दे दिया सर। यानी तुमने देखा सत्तु का खून होते हुए? दिखने में कैसा था वो आदमी? सर वो अपन को नहीं पता सर। किसी नरेश को जानते? अरे हाँ सर नरेश को जानते हो सर? सर वो तो एक नंबर के साथ धोखेबाज आदमी है सर। सर उसने तो अपन के सत्तू को फंसाया था सर। नरेश ने तो सत्तू को चोरी करते पकड़ा था ना? उसने चोरी की थी सत्तू के साथ सर। ये नरेश भी मिला हुआ था सत्तू के साथ चोरी में? हाँ साहब सब मेन मास्टरमाइंड नरेश ही था साहब। सब उसने पैसा भी दिया साहब सत्तू का मुंह बंद रखने के लिए साहब। सब नरेश को कोकीन लगता था साहब सुबह साहब दिन रात। बस अब इसी वजह से साहब उसने चोरी की और फंसाया साहब उसने अपने सत्तू को साहब मार डाला उसको। ये देखो सत्तू की पीठ पर ये चोट के निशान। इसका मतलब सर ये बाबू सही कह रहा था, किसी ने इसकी पीठ पे जोर से धक्का मारा और ये जाके गिरा ट्रेन के सामने। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी है अभिजीत। ये नरेश और सत्तू दोनों साउथ अमेरिका में नौकरी करते थे डीके इंडस्ट्रीज में, मगर दोनों के दोनों चोर थे, कंपनी के फंड चोरी किया करते थे। जैसे इनका भांडा फूटा नरेश ने सत्तू को फंसा के उससे नौकरी से निकलवा दिया और फिर यही नरेश सत्तू को पैसे भेजा करता था ताकि सत्तू अपना मुंह बंद रखे और किसी को पता न चले कि नरेश भी चोरी करता था। मगर सत्तू के दिल में आग लगी हुई थी, वो भूला नहीं था कि नरेश ने उसे फंसा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए जैसे ही नरेश इंडिया वापस आया सत्तू ने उसका खून कर दिया, सर काट दिया उसका। सर अगर नरेश को सत्तू ने मारा है तो फिर सत्तू को किसने मारा? कोई ऐसा आदमी जो जानता था कि नरेश को कोकेन की लत लगी थी। एक मिनट ये किसने कह दिया बॉस कि नरेश को कोकीन की लगती? बाबू ने। I'm sorry, नरेश की बॉडी में कोकीन का जरा सा भी ट्रेस नहीं है। नरेश ने अपनी जिंदगी में कभी कोकीन ली नहीं होगी। क्या मतलब बाबू ने उनसे झूठ बोला सर? या तो ये बाबू झूठ बोल रहा है या फिर ये नरेश है ही नहीं। तो फिर सर ये नरेश नहीं है तो फिर धनराज ने हमसे कहा ही क्यों ये नरेश है? इस धनराज से ही पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा कि ये नरेश है। समझे कुछ? हाँ सर। गड़बड़ है थोड़ा देख कम ही देरी क्यों? क्या बात है दरवाजे क्यों तोड़ रहे हो? थोड़ी देर और करते दरवाजा खोलने में तो दरवाजा दिखाई नहीं देता। कहाँ से चले आ रहे हो? अरे कौन है तुम लोग? अरे ये लोग सीआईडी को फोन लगाता हूँ।
एक मिनट, हम ही सीआईडी वाले सब, ना तो धनराज अंदर है ना उसकी वाइफ। अरे वो दोनों तो दो दिन पहले अपना मकान बेचकर चली गई। मकान बेच के चले गए? कहाँ पे? पता नहीं, लेकिन दोनों बड़ी जल्दी में मालूम पड़ रहे थे, और बल्कि मकान मुझे बड़ा सस्ता मिल गया। शायद दोनों विदेश चले गए। क्या धनराज के बैंक में फोन करो। यस सर। अच्छा, कोई सामान वामान छोड़ा उसने यहाँ पे? हाँ, एक एक बॉक्स है उसका। जा दिखाएंगे। पता नहीं उस बॉक्स में क्या क्या कबाड़ भरा हुआ है। ये देखिए सर, धनराज अपने सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, जितने प्रॉपर्टीज थे सब बेच दिए सर, और सारा पैसा कैश में ले लिया है सर। दया, मगर ये धनराज देश छोड़कर क्यों भाग गया? सर, कोकेन का खाली बैग है। कोकेन? धनराज और कोकेन? हाँ सर, धनराज तो कोकेन लेता नहीं था, कोकेन पीता था नरेश। तो फिर ये पैकेट, ये नरेश का है दया? ओ, मतलब हाँ, ये धनराज धनराज नहीं है, ये नरेश है, कोकेन पीने वाला नरेश। यानी कि सर, असली धनराज वो है जिसके सर पर लाश मिली हमें? हाँ ताशा, ये नरेश धनराज के साथ इंडिया आया, इसने धनराज का खून किया और खुद बन बैठा धनराज। अब इस नरेश को ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे सर उसे? यहाँ पे तो उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। फ्रेडरिक्स, उसकी वाइफ की फैमिली तो इंडिया में, पता करो, शादी के रिकॉर्ड चेक करो, जरूर उनको पता होगा कि ये दोनों कहाँ छुपे हैं। यहाँ पे है वो, अंदर ही है ना? कंफर्म है? है तो अंदर ही है, टाइम हो गया उसका बाहर आने का। यही है? ये नरेश का साला है, इसका नाम कैलाश है। थोड़ा खड़े हैं, आप जरूर खड़े रहो ना। चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ जीजा, जीजा मेरी शादी हो चुकी है, तो अपनी बहन के लिए कोई दूसरा दूल्हा ढूंढो, ठीक है? अबे तेरा जीजा कहाँ है? कौन हो तुम लोग? कहाँ भागे जा रहा है बच्चू? मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। किसका जीजा बनेगा? अरे क्या बात कर रहे हो सर, मेरे तो दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, आपने तो लड्डू भी खाए थे। कहाँ है नरेश? हैं? सर मुझे मालूम नहीं सर। मालूम नहीं सर? मालूम से मत पता। सर, सर वो शहर छोड़ के भागने वाले सर, ट्रेन से जा रहे सर। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ट्रेन से क्यों जा रहे हैं। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, पुलिस के रिकॉर्ड में मैं मर चुका हूँ, मेरा पासपोर्ट भी किसी काम का नहीं है। तो नकली पासपोर्ट भी तो बनाया जा सकता है ना? हाँ, मैं कोशिश करूँगा, इतना आसान नहीं है। अरे पहले यहाँ से तुम निकल लें। चलो अंदर, तुम जल्दी जल्दी। पानी के लिए बहुत प्यास लगी है। हाला पानी तो तुम्हें हम पिलाएं। जेल क्या?
बनकर धनराज की जगह लेना चाहता है, क्यों? सर वो धनराज के मौसी मरने से पहले उसके लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ गई और ये सारा बिजनेस बेच के हिंदुस्तान आ रहा था हमेशा हमेशा के लिए। ये जानते थे कि किसी ने नहीं देखा धनराज को इंडिया में और उसे रास्ते से हटाकर खुद धनराज बन गए और सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। और इसके लिए तुमने सत्तू की मदद ली और फिर उसी का खून कर दिया। वो मैं ब्लैकमेल कर रहा था सर। कोकेन बहुत पीता है, हैं? उसी ने तो बदनाम कर दिया सर। किसी ने ठीक ही कहा, पैसे और नशे की लत आदमी को अंधेरे में ढकेल देती है। अब जेल का भी अंधेरा देखो, फांसी का ऑर्डर आने पर। Thank you.